लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सपोज करो हमारे पास कोई एटम है ए, हमने इस एटम ए में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो ये हमारे पास बन जाएगा एक कैटायन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के बाद फर्दर जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे तो उसके बाद ये बन जाएगा ए टू पॉजिटिव, और इस टाइम पे जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी। उसका रीज़न क्या है वो डिस्कस कर। सपोज कीजिए हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया, ये बन जाएगा एम जी पॉजिटिव। अब मैग्नीशियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और लूज करवाया और ये बन जाएगा एम जी टू पॉजिटिव। तो हमारे पास फर्स्ट टाइम पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है मैं उसको आई ई वन मार्क कर रहा हूँ, और जो सेकेंड टाइप पे आयनाइजेशन एनर्जी है उसको आई ई टू मार्क कर रहा हूँ। अब मैं इन सब के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, मैग्नीशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 12 होते हैं। एम जी पॉजिटिव की बात करूँ तो जो एटॉमिक नंबर है वो 12 ही रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 होंगे। अगर मैं एम जी टू पॉजिटिव की बात करूँ तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 12 रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एम जी के केस में निकलेगा 1, एम जी पॉजिटिव के केस में निकलेगा 1.09, और जो हमारे पास एम जी टू पॉजिटिव है उस केस में निकलेगा 1.20। तो हम देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। इसका मतलब एम जी के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है उसके कंपेरिजन में एम जी पॉजिटिव के केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसकी वैल्यू बड़ी हो। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सक्सेसिव और सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी चाहिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते रहते हैं जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ को, इसीलिए जो सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए वो हाई चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, और जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो कम होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मैं कुछ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। जो ग्रुप वन है उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन है इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। जो सेकेंड ग्रुप है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होती है। जो लिथियम है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। जो बेरियम है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है।